अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है किसी भी काम को जारी रखना, जो काम लगातार चल रहा हो उसको कॉन्टीन्यूस बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो इसकी जो पास्ट कॉन्टीन्यूस पहचान होती है वो है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या लगती है? आई एन जी फॉर्म लगती है। हेल्पिंग और क्या लगेगी इसमें? वाज और वर। अब देखो वाज किसके साथ लगेगी? ही, शी, इट, नाम और एक वचन के साथ, सिंगुलर जो होता है। वर लगेगी आई, वी, यू, दे और बहुवचन, जिसको प्लूरल बोलते हैं हम। अब इसका एग्जांपल देखो। अब इसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ये कहाँ से मिलती है? देखो ये पहचान कहाँ मिलेगी? ये रहा, किसान घर जा रहा था, देखो ये मिल गई अपने को पहचान। इधर देखो माता जी मंदिर जा रही थी, अब ये देखो रहा था, रही थी, अपने इसकी पहचान है, ये अपने को सेंटेंस के अंदर मिल चुकी है। तो ये देखो इसका सेंटेंस बनेगा। तीन सेंटेंस बनाने, आपको पता है साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो देखो किसान घर जा रहा था, किसान को क्या कहेंगे? फार्मर। वाज जाने को क्या कहते हैं? गो। उसके क्या लगा दिया? आई एन जी, गोइंग टू हाउस। फार्मर वाज नॉट गोइंग टू हाउस, ये अपना कौन सा वाक्य बन गया? नकारात्मक, जिसमें नॉट हमेशा कितने नंबर पे आता है? तीन नंबर पे। ये देखो फार्मर वाज नॉट गोइंग टू हाउस। और क्या? किसान घर जा रहा था, तो क्या वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है? वाज फार्मर गोइंग टू हाउस। अगला सेंटेंस देखो, माताजी मंदिर जा रही थी, माताजी क्या कहेंगे? मदर। हेल्पिंग और क्या लगी? एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, वाज। जाने को क्या कहते हैं? गो। उसके आई एन जी लगा दिया, मदर वाज गोइंग टू टेम्पल। माताजी मंदिर नहीं जा रही थी, मदर वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल। और क्या? माताजी मंदिर जा रही थी, वाज मदर गोइंग टू टेम्पल। ये अपने सेंटेंस है। बाकी सेंटेंस मैं आपको अगले फोटो वीडियो में दे रहा हूँ, आप उनको एग्जाम्पल करके देखना। जो आपको समझ नहीं आए, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।